हे गाइस, आप सब रेडी हो फायरबोल्ट की वो के लिए? यस, फायरबोल्ट की वो आने वाली है 26 तारीख को और बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च करने वाली है फायरबोल्ट इसको। यस, अप्रॉक्सीमेटली अंडर 2000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च हो सकती है वॉच और बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात है कि चेन वाला स्ट्रैप देखने को मिलेगा इसमें आपको। यस, आप चाहे सिल्वर वाला ले लो, चाहे गोल्ड वाला, चाहे ब्लैक वाला, आपको देखने को मिल जाएगा और काफ़ी प्रीमियम लगेगी, इन हैंड फील काफ़ी अच्छा लगेगा। और गाइस, कहीं ना कहीं बड़े डिस्प्ले के साथ ही वॉच देखने को मिलेगी। यस, अप्रॉक्सीमेटली 2 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी और इसी के साथ साथ सारे के सारे फीचर यहाँ पे और इस प्राइस ब्रैकेट में आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारी की सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे अगर आप चैनल पे आई गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो, साथ में हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो जहां पे हम बहुत ही अच्छी अच्छी डील डालते रहते हैं, वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। तो चलिए इस अमेजिंग वीडियो को आप सभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, एक लाइक तो गाइस बनता है इस तरीके के अपडेट्स आप सभी के लिए लेके आता रहता हूं। तो अभी नहीं, फिलहाल 26 तारीख को सेल पे जाएगी। ठीक है, सो गाइस, मैं ऑलरेडी फायरबोल्ट की वोक स्मार्ट वॉच के बारे में एक प्रीव्यू बना चुका हूँ, अच्छा रिस्पांस आया था तो मैंने सोचा कि एक और अपडेट इसका बनाया जाए और यहाँ पे एक्चुअल जो चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे मैं फीचर्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहली वाली वीडियो में, ठीक है, आपको जाके चेक करना जो कर सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा इस वॉच के बारे में, ठीक है, इस वीडियो में बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है तो बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ आप सभी से तो क्विक स्पेसिफिकेशन में समझा चुका हूँ और बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस ब्रैकेट में फायरबोल्ट इसको लॉन्च कर सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अंडर 2000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च हो सकती है वॉच। यस, क्योंकि इसमें एमोलेड डिस्प्ले तो है नहीं, ऑब्वियसली बात है, और एमोलेड डिस्प्ले होती तो आप समझ लीजिए, खुद ही आप आंख बंद करके समझ लीजिए कम से कम 2500 से ऊपर जाता है प्राइस हर एक वॉच का। ठीक है, बट यहाँ पे एमोलेड नहीं है इसीलिए इसका प्राइस जो है वो अंडर 2000 रुपीज़ जा सकता है। और यहाँ पे डिस्प्ले साइज काफ़ी बड़ा है और एप्पल का लुक रिजेंबल करती है, ये एप्पल वॉच सीरीज 8 की तरह देखने में लग सकती है क्योंकि रोटेटेबल क्राउन के ऑप्शन भी देखने को मिलता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगी, इवन दो ये आपका LCD IPS पैनल है, बट अगेन गाइस उसके बाद भी यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है फायरबोल्ट की तरफ से। अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो यहाँ पे UI भी नया होगा। यस, आपने इसे सुना, फायरबोल्ट की निंजा सीरीज है जो उसकी तरह UI नहीं होगा, जो मैंने एक प्रीव्यू बना रखा है वो आप चेक कर सकते हो जाके फायरबोल्ट की स्टारलाइट का, उसमें फायरबोल्ट की निंजा सीरीज का UI दिया गया है, बट इसमें आपको UI डिफरेंट मिलेगा क्योंकि इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इंप्लीमेंट किया गया फायरबोल्ट की तरफ से, तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगा इस वॉच का। दूसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एप्पल का लुक देने के लिए इस वॉच को आप ये लूप वाला टाइप का स्ट्रैप भी इसके लिए बाय कर सकते हैं। यस, ये आपको स्टेनलेस स्टील के उसमें भी मिल जाएगा, चेन वाला स्ट्रैप भी देखने को मिल जाएगा और इवन लूप वाले स्ट्रैप में भी देखने को मिल जाएगी वॉच। तो गाइस तीनों ही जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें से आप चूज कर सकते हो, तीनों डिफरेंट जो स्ट्रैप के साथ शिप होगी आप चूज कर सकते हो। वैसे मेरे ख्याल से स्टेनलेस स्टील का जो प्राइस जाएगा वो 2500 रुपये जा सकता है और ये चेन वाला स्ट्रैप का प्राइस भी इतना ही जा सकता है, बट ये लूप वाले का प्राइस मेरे ख्याल से 2000 रुपये के अंडर जा सकता है। ठीक है, क्योंकि लूप वाला थोड़ा सा सस्ता ही आता है एज कम्पेयर टू दैट वन। ठीक है, इस तरीके से एप्पल का पूरा लुक ये रिजेंबल करेगी वॉच। अब गाइस डिस्प्ले एज टू एज जितना इसमें दिखाया गया उतना नहीं मिलेगा आपको, बट डेफिनेटली यहां पे सिमेट्रिकल टाइप का बेजल मिलेगा क्योंकि 2.05 इंचेस की डिस्प्ले है तो एकदम एज टू एज हो जाएगा इसका, बट अगेन उतना भी नहीं है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में इसमें आपको आप समझ लो 83 या 85% तक का मिल जाएगा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, क्योंकि जो इवन एप्पल की वॉच भी आती है एप्पल सीरीज 8 या सीरीज 8 अल्ट्रा बेसिकली, तो उसमें भी स्क्रीन टू बॉडी रेशो आपका 89% तक का मिलता है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि कंपनी मतलब एप्पल वॉच से भी बेटर आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशो देते, तो ये ध्यान रखिएगा आप सब। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पे सबसे प्रीमियम कौन सी लग रही है मैं बता देता हूँ आपको, स्टील वाला स्ट्रैप बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है इसका जो फायरबोल्ट वोग है, और ये जो पर्पल वाला है चेन वाला स्ट्रैप ये गाइस अलग ही लुक दे रहा है इसको, मतलब आपके हाथ पे आपने पहन रखी है तो सामने वाला यही बोलेगा आपने एप्पल की वॉच सीरीज 8 बांध रखी है, दैट्स इट, उसको सेकंड थॉट आएगा ही नहीं माइंड में। ठीक है, ये तो थोड़ा सा मेरे को उतना बेटर नहीं लग रहा ये वाला टाइप का, तो एक तो लूप वाला अच्छा लग रहा है और एक ये वाला पर्पल वाला काफ़ी बेटर लग रहा है। ठीक है, उसी के साथ साथ बात हम करें यहाँ पे अगर आप ये वाला चेन वाला स्ट्रैप बाय करना चाहते हैं और गोल्ड वाला बाय करना चाहते हैं खासकर, तो कोशिश करें ये सिर्फ ओकेजनल के लिए, मतलब ओकेजन्स के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं ये वाला टाइप का स्ट्रैप डेफिनेटली रिमूवेबल है, आप यहाँ पे चूज कर पाओगे आफ्टर मार्केट से, आप बाय कर पाओगे 22 mm आफ्टर मार्केट का स्ट्रैप इसमें लगा सकते हो इवन, और 42 mm का एप्पल टाइप का अगर आपके पास कोई पुरानी एप्पल की वॉच पड़ी है उसका भी स्ट्रैप इसमें एकदम परफेक्टली फिट आएगा। बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ अगर आप ये गोल्ड वाला स्ट्रैप लेते तो आपके मेन जो पार्टी वार्टी में जाते तो उस चीज़ के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी रैदर देन आपके फॉर्मल वेयर पर अच्छी नहीं लगेगी वॉच। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब घर पर डेली यूज़ के लिए अच्छी नहीं लगेगी मैं कहना चाहता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये वैसे वॉच आपके लास्ट टू मीडियम रिस्क के लिए ठीक है, थिनेस्ट वाले सोच कर भी इसको
फर्क ना करे। यस, फालतू में आपको बाद में पछतावा होगा, आपके हाथ पे अच्छी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। जिसके लीन रिस्ट हैं, थिन है, स्किनी है, वो इसको बिल्कुल भी ना देखें, इस वॉच को बिल्कुल भी ऑर्डर करने की सोचे भी ना, ठीक है। हाँ, लास्ट मीडियम इसके लिए काफ़ी अच्छी वॉच बन जाती है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में एक कंसर्न होगा कि इसकी बैटरी जो कैपेसिटी वो 260 mAh ही दी गई है, तो क्या ये बेटर है, वर्थ है? तो गाइस देखो, बैटरी कैपेसिटी ठीक है बट नॉट द बेस्ट वन, क्योंकि इसकी बैटरी लाइफ आपको 2 ही दिन की मिलेगी ऑन कॉलिंग। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे तो ये 1 दिन से कम ही चलेगी, क्योंकि इसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, ठीक है, तो बैटरी ज़्यादा खींचेगी अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसका रखते हो तो। वैसे वायरलेस चार्जिंग के साथ ये आती है, एक यूनिक फीचर दिया गया और जो कि अदर वॉचेस आपको इस प्राइस ब्रैकेट में प्रोवाइड ही नहीं करती हैं अदर कंपनीज बेसिकली, तो फायरबोल्ट ने ये करके दिखाया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर अंडर 2000 rupees के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च हो जाती है तो कमाल की डील है, डेफिनेटली आप इसको ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। और बस यही था कि मतलब आ रही तो एक्साइटमेंट थोड़ा सा बेटर था, तो मैंने सोचा कि एक बार एक वीडियो और बना दी जाए ताकि आपको यहाँ पे पता चल सके टाइम टू टाइम, ठीक है। अगर आपका क्वेरी इस वॉच से रिलेटेड फायरबोल्ट की वो है जो रहता है, तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे इसका फुल प्रीव्यू देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा उस वीडियो की, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो वही सिंपल सा ये सेकंड प्रीव्यू था, अगर आपका क्वेरी और भी कुछ रहता तो जरूर आप मेरे से पूछ लेना। वैसे आप हमारे टेकबॉक चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, जहाँ पे हम बहुत ही अच्छी अच्छी डील डालते रहते हैं, वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलते रहती है। मिलता हूँ आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।